दोस्तों अगेन एंड अगेन जय हिंद वंदे मातरम। मैं पन्ना फौजी फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पन्ना फौजी आर्मी 7X फैक्टर पर। दोस्तों जैसा कि मैं सफ़र करके आ चुका हूं यहां पर पहाड़ की चोटियों के पास नज़दीक में आ चुका हूं, तो मैं आप लोगों को इस पहाड़ की चोटी को दिखाऊँगा और वहाँ से आप लोग देखो कि कैसा दृश्य दिखता है नीचे का। तो आज आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ऐसा ऐसा दृश्य आप लोगों को शहर में कहाँ देखने को मिलेगा, शहर में बहुत कम ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। और पन्ना फौजी आ चुका है अपने बुलेट में, देख सकते हो ये रहा भाई मेरी रानी। मैं जहाँ भी जाता हूँ इसको साथ में लेके जाता हूँ, ये मुझे अपने साथ में लेके जाता है, मेरे को एक कदम चलने नहीं देता है ना। ये मेरा हाथ पर सब कुछ है अभी फ़िलहाल जब तक है मेरे पास, है ना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बने रहो, पहाड़ की चोटी में चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताए थे कुछ पौधे लगाए थे हम लोग कह के, तो पौधा भी इस तरीके से तैयार हो चुका है, देख सकते हो। यहाँ पर मैं जो है तकरीबन 50 से 60 पौधा लगाया था यहाँ पर, वो सागौन का, सागौन बोलते हैं जिसको। ये पहाड़ों में पानी कम लगता है इसमें, क्योंकि ये पौधा जो है बहुत जल्दी हो जाता है और पानी कम लगता है, इसके लकड़ी जो है बहुत मजबूत रहता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं इसीलिए यहाँ पर ख़ासतौर पर आया था कि पेड़ भी देखना हो जाएगा और ये भी देखना हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा पेड़ लगा हुआ है, ये दोनों तरफ देख सकते हैं, ये हम लोगों ने इन पहाड़ों पर लगाया हुआ है दोस्तों। ये देख सकते हो, तो मैं पहले भी बोला था देश बचाओ है ना, पेड़ लगाओ देश बचाओ, पेड़ लगाओ देश बचाओ करके बार बार बोलते रहता हूँ। तो ये उसी में से मुहिम में से एक है। ये देख सकते हो पीपल का पेड़ कितना अच्छा हो गया है, पीपल का पेड़ जो है दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा हो चुका है हमारा पीपल का पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। तो ऐसे ऐसे पौधे लगाए हुए हैं हम लोग के आने वाले समय में जो राहगीर हैं उनको जो है थोड़ा सा शुद्ध हवा दे, तो आप लोग देख सकते हो। और ये है दोस्तों बेल का पेड़ जो भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है, देखो इसको, इस पेड़ को भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है, इस पत्ते को बोलते हैं ना। और इसकी कांटे देख रहे हो, कांटा कितना नुकीला है इसका। तो दोस्तों आज इन पहाड़ों पे इसलिए आए हैं, इसको किस लिए लगाए थे हम लोग, ये फल देता है और इसको कोई भी यहाँ पर बैठे किसी को ख़रीदना ना पड़े, ऐसी या पहाड़ों में जब लगा है तो कोई भी खा ले, है ना। इस तरीके से इस पौधे को लगाए हैं हम लोग, ये बेलपत्री। हर हर महादेव शिव शंभू देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों, और ये एक और पीपल का पेड़ कितना बड़ा है, दोस्तों तो देख सकते हो मेरे पीछे है वो पहाड़, पहाड़ है मेरे पीछे, तो इस पहाड़ पर चलते हैं और आप लोगों को सफ़र कराते हैं। पीछे है वो रास्ता जहाँ पर मैं आया हूँ, है ना। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे होंगे मैं चोटी चढ़ रहा हूँ अभी। ये बरगद का पेड़ भी लगाए थे यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं बरगद का पेड़। इसको जो है, इसको जो है चिड़िया जो है इसके फल को बहुत मज़े से खाते हैं, क्योंकि इसका फल जो है बहुत मीठा रहता है। पीपल के फल से थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है और इसका फल जो है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इंसान भी खा सकता है, लेकिन हम लोग खाते कहाँ हैं, नहीं खाते इसको, चिड़िया उड़िया खाता है इसको। तो दोस्तों ये बरगद का पेड़ है, तो चलो चलते हैं फिर चोटी। और मैं आप लोगों को बताने वाला था तेंदू का पेड़। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हो कि इस पहाड़ को चढ़ना है अपन को, उस चोटी पर पहुँचना है, उस चोटी पे पहुंचना है, लास्ट चोटी है, इसको जो है चढ़ते हैं हम लोग और वहाँ से नीचे के दृश्य दिखाता हूँ आप लोगों को। देख सकते हो किस तरीके से अच्छा से लग रहा है, पूरे पत्थरों से बहुत ही मनोरम एवं लुभावन लग रहा है यहाँ पर। तो चलते हैं ऊपर में और देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो कि पन्ना फौजी चढ़ रहा है उन पहाड़ों की चोटी पर, और उस पहाड़ की चोटी पर जाने के बाद आप लोगों को दृश्य दिखाऊँगा। इसको बोलते हैं दोस्तों पलसा, ये है पलसा का पेड़, इसका चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, चौड़ा चौड़ा पत्ता होगा ये, और इसे जो है हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रोटी अंगाकर रोटी, चावल और उसके आटा को मिक्स करके बना दिया जाता है, और इसमें जो है इसको ऊपर से ढक के, ऊपर और नीचे से ढक के कंडे से पकाया जाता है उस रोटी को, कंडे या फिर लकड़ी की आग से उस रोटी को पकाया जाता है, और उसको बहुत ही टोमेटो की चटनी से खाओ बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो टोमेटो की चटनी से जो है उसको खा सकते हो, बहुत स्वादिष्ट। ये रहा हमारा चोटी, लास्ट चोटी है, चलो देखते हैं,
दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हो पन्ना फौजी चढ़ रहे हैं एक चोटी पर, और उस चोटी पे जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा कैसा वहाँ से नीचे का दृश्य दिखता है। दोस्तों देखो, शहर में रहने पर ये सब आपको शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, ये सब नहीं मिल पाता। अब मेरे इर्द गिर्द देख सकते हो पूरे ही पहाड़, और देखो पहाड़ों पहाड़ों पहाड़, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। पहाड़ों की बात ही क्या करना, पहाड़ का जो वायु है, हवा है, वातावरण बहुत अच्छा रहता है। चिड़ियों की चहचहाहट, जानवरों की आवाज़, तो ये सब बहुत कुछ देखने को मिलता है पहाड़ों पे ना। अब मैं उल्टा होकर चल रहा हूँ अभी। उल्टा होकर क्यों चल रहा हूँ, सीधा होकर चढ़ने पर थोड़ा सा अब मेरा सांस फूलने लग गया, थोड़ा सा जो है ऊपर ऐसे उल्टा होकर चलूँगा फिर सीधा हो जाऊँगा, क्योंकि सुबह सुबह साइकिलिंग भी किया था, है ना, साइकिलिंग भी किया था और फिर आ गए। लास्ट चोटी है, मजे लो, देखो किस तरीके से लग रहा है पत्थर, देखो पत्थरों को, वाव वाव दोस्तों, नज़ारा देखो, नज़ारा देखो, थक गए यार, पूरे थक गए। कितना अच्छा हवा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कसम से बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, मैं जिसका बता नहीं सकता। थका जरूर हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पूरा थकावट दूर हो गया। इतने बड़े बड़े चट्टान, चट्टान के साथ जो है पन्ना फौजी जो है चट्टान के ऊपर लेटा हुआ है, और वहाँ से गांव का दृश्य देखो, सबसे अच्छा गांव का दृश्य देखो, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसा जगह देखने को आप लोग बहुत कम मिलेगा। उसके बाद पूरा पहाड़ उधर, पहाड़ इधर, पूरे पौधों को देखो किस तरीके से हरा भरा लग रहा है। शहर में ऐसा देखने को मिलता है हर चीज़ नहीं, तो इस तरह से गांव में भ्रमण करो। थोड़ा सा मैं जो है इस पत्थर पे थोड़ा सा और आराम करता हूँ, उसके बाद ब्लॉग बनाता हूँ दोस्तों। दोस्तों पन्ना फौजी बैठा हुआ है पहाड़ों पे, और पहाड़ों पे आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कसम से मैं बता नहीं सकता। मैं बिल्कुल इस तरीके से महसूस कर रहा हूँ जिस तरीके से पंछी जो है पिंजड़े से आज़ाद हो जाते हैं ना, उस तरीके से महसूस कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, जिसके बारे में आप लोगों को बताने से क्या, महसूस करके देखो आप कितना अच्छा लग रहा होगा। आँख बंद करो और पन्ना फौजी कहाँ पर बैठा है, कैसा दृश्य यहाँ पर, दृश्य का आनंद ले रहा है, उसको महसूस करके देखो। बस देखो छोटे छोटे गांव चारों तरफ है ना, कितना अच्छा लग रहा है। वो पहाड़, ये नदी, नाला देख सकते हो दोस्तों, सही में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों आज कुछ करते हैं फन, अब आ गए हैं पहाड़ों पे तो कुछ करते हैं फन, और आप लोगों को बताता हूँ एक मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है दोस्तों, आप लोगों को मेडिटेशन का मतलब एक हैप्पीनेस के बारे में बताऊँगा, और जिससे जो है आप लोग सारी परेशानियाँ अगर कुछ हद तक आप करना चाहो तो दूर हो सकती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मेडिटेशन कराता हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहो। दोस्तों अगेन एंड अगेन जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पन्ना फौजी फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पन्ना फौजी आर्मी 7X फैक्टर पर। दोस्तों जैसा कि मैं यहां पर पहाड़ की चोटियों में आया हूं, और पहाड़ की चोटी में आने का मतलब मेरा एक ही मकसद था कि कैसे स्ट्रेस को दूर किया जाए, कैसे इस तनाव भरी ज़िंदगी में कुछ पल अपने लिए निकाला जाए। दोस्तों कमाने को तो बहुत कमाते वमाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं कमाई के चक्कर में, पैसा 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 पैसा, तो कुछ समय अपने लिए भी, अपने फिजिकल के लिए भी, अपने मानसिक के लिए भी, अपने सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा अकेलापन, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। दोस्तों हम लोग भीड़ भाड़ में तो सभी रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, कोई चार शब्द बोलता है, कोई वो चार शब्द बोलता है, तो उस सबसे अलग दुनिया है ये, अपना जो है अपने आप से बात करो, अपने आप की सुनो, अपने आप की करो। तो ये इसका महसूस करके देखो, अगर आप लोगों को कुछ पल के लिए आज़ादी मिल जाए, कुछ आप अपने लिए करना चाहो, कुछ अपने आप से बात करना चाहो, कुछ अपने आप को
पहचानने की आपको मौका मिल जाए तो उससे बड़ा जो है दुनिया में खुशी कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ दोस्तों, आज का मेडिटेशन में यह बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप लोग तनाव में हो या फिर किसी भी तरीके से परेशानी है, आप लोगों को व्यापार में लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस दुनिया में कुछ भी साथ नहीं जाना, अगर साथ नहीं जाना तो फिर किस लिए इतना टेंशन लेना। फिर भी अगर टेंशन होती है आपको तो उस टेंशन से बचना कैसे है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उस टेंशन से बचना कैसे है, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो, उस टेंशन से बचने का एक ही उपाय है, आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, और अपनी मेन चीज़ है मस्तिष्क, मस्तिष्क में जो दिमाग है उसको जो है एक इस्टेब्लिश करो। इस्टेब्लिश कैसे करो, इधर उधर ज़्यादा भटक रहा है उससे दूर भागो, और उसको जो है अपनी नकारात्मकता को, सोच को निकालो बाहर, तो ऑटोमेटिक आपको व्यापार में लाभ ही लाभ होगा दोस्तों। कुछ हानि होता है, कुछ लाभ होता है, दुनिया की रीत है, मगर आप पॉजिटिवली लेकर चलोगे तो आपको हमेशा लाभ होगा, कभी हानि होने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। किसी को बीपी का परेशानी है, किसी को शुगर की परेशानी है, तो देखो ये मानव शरीर है, मानव शरीर में भिन्न भिन्न तरीके से शरीर है, तो भिन्न भिन्न तरीके से रोग भी हैं, आइस प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम, पेट प्रॉब्लम, सभी तरीके से प्रॉब्लम है, किसी न किसी को परेशानी तो है, लेकिन उस परेशानी को लेकर ही चलते रहोगे, उस परेशानी को दिमाग में बैठा के चलोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, उसको जो है नेगलेक्ट करो, उसकी जो है ट्रीटमेंट करते रहो। ट्रीटमेंट कैसे, जो चीज़ आपको उस चीज़ के लिए सुटेबल होता है वो चीज़ करो, ज़रूरी नहीं कि आप दवाई ही खाओ, कभी कभी जो है स्वच्छ मन, स्वच्छ तन, स्वच्छ सोच से भी कई बीमारियाँ ठीक हो जाती है। एक सबसे बड़ी चीज़ है आदमी की भरम की बीमारी, ये भरम की बीमारी जो है घरों घर में मिलता है, मेरे चाचा ने किया, मेरे ताऊ ने किया, मेरी मम्मी ने किया, मेरे पापा ने किया, तो इस भरम की बीमारी का भी एक इलाज है दोस्तों। अकेले में चले जाओ, अपने आप से बात करो, जिस तरीके से पन्ना फौजी कर रहा है, और अपने आप के लिए जियो, अपने आप के लिए हैप्पीनेस लाओ। दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर अकेले, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, कौन सुन रहा है मेरा, यहाँ पर पहाड़ों में हूँ, यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा, मुझे सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बाद में देखोगे, मैं तो अभी जो है ये रिकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे जब देखोगे तब तक मैं जो है पन्ना फौजी अपनी ज़िंदगी, जो अपनी हंसी खुशी, जो भी इस यहाँ पर आया है, जो भी मोटो लेके आया है, वो सब जो है मज़े से अपना मज़ा करके चला जाएगा। तो दोस्तों पन्ना फौजी जो है इस पहाड़ों में इसलिए आया है कि मैं अपने आप को कैसे जीऊँ, अपने आप के लिए कैसे जीऊँ, अपने आप के लिए समय कैसे निकालूँ। मैं भी काम करता हूँ दोस्तों, मैं कोई खाली नहीं हूँ, लेकिन जो समय मिला है उसको मैं अपने आप को अकेले से बात करना चाहता था, मैं अपने अकेले से कुछ सीखना चाहता था, कुछ जानना चाहता था, इसलिए पहाड़ों में आया। और ये पहाड़ का जो है आनंद जो है दोस्तों, मैं क्या कह सकता हूँ, इसको बारंबार सलूट है, बारंबार प्रणाम है मेरा, फिर भी कमी है। तो दोस्तों इस पन्ना फौजी का ब्लॉग जो है आप लोग मेडिटेशन के तौर पर लो, मैं चाहता हूँ यार आप लोग भी हैप्पीनेस रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो, कुछ भी नहीं जाना है, माटी का शरीर है, नाश एक दिन होना ही होना है, मिट्टी में मिलना ही मिलना है, है ना। बोलते हैं आत्मा नहीं मरती, हो सकता है आत्मा ना मरे लेकिन आपका शरीर तो मरेगा, लेकिन शरीर को छोड़ के आत्मा तो जाएगी। तो दोस्तों जब तक शरीर में जान है, जब तक है जान नहीं भूलेंगे हम, ये देख सकते हो ये माहौल, ये वातावरण, ये सब जितने, आप सभी से प्यार करो। मैं बोलता हूँ प्यार एक ऐसा चीज़ है कि सभी से करो, किसी से नफरत मत करो, जीव जंतु जो भी है उसको, प्राणी है आपके प्रति नकारात्मक भी सोचता है, उससे भी आप प्यार से बोलो, आपका आधा सक्सेस इसी में मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं अरबपति हूँ, लेकिन दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जो कुछ समय अपने लिए ज़रूर जी लेता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह कोई खुशनसीब इंसान हो जो अपने लिए समय निकाल लेते हो, तो जो है मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना दोस्तों। और पन्ना फौजी जो है आज इन पहाड़ियों में तकरीबन 4 से 5 घंटा बिताएगा, और 4 से 5 घंटा बिल्कुल जो है मैं नॉन स्टॉप जो है इसी तरीके से उस पहाड़ से, उस पत्थर से, उस पत्थर में, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चहकते हुए निकालूंगा और फुल इंजॉय करूँगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्यारा सा एक कमेंट्स कर देना यार, जिससे जो है मेरे को हंसी आती है, थोड़ा चेहरे में मुस्कुराहट आता है कि यार ये भाई ने ऐसा कमेंट्स किया यार, इसने ऐसा कमेंट्स किया यार, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है दोस्तों, कितना अच्छा हवा चल रहा है। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और उसके बाद अगला ब्लॉग जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बहुत ही धासु दिखाऊंगा, जैसे कि अभी आप इन चोटियों के दर्शन कर लिए ना आप लोगों ने, इसके बाद जो ब्लॉग आएगा ना वो और बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय दोस्तों।